क्या एंट्री है ये दिनेश? वेस्ट आई सर, मैंने क्या बताई थी? वेस्ट ही बताइए सर। थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है सर, ओवरलैप, बट वेस्ट ही आ रहा है सर प्रोमिनेंटली। जो पत्री में लिखा उससे बाहर जा सकते हो? नहीं सर, एग्जैक्ट है सर। आपके घर में इंचेस में कौन सा सामान कहाँ पड़ा होगा? ये तक ऑलरेडी रिटर्न है। जी, अब तक तो ये भरोसा हो गया होगा। हो गया सर। और सर मेरे मम्मी का ना 50% से ज़्यादा दर्द कम हो गया सर। बहुत बढ़िया। क्या और मैंने ये रेमेडी भी बताई थी? मुझे याद नहीं। वो सिल्वर अच्छा, कलर का फ्रोजन धागा। शोल्डर की। फ्रोजन हाँ जी सर, शोल्डर की मैं सिल्वर कलर का धागा पहना हूँ सर, चमकीला। हाँ। आपने बताया था ना 50% अच्छा, ज़्यादा। रेमेडी आपने करी और पेन उनका ठीक मैं, हुआ? हाँ जी हाँ जी, सिर्फ मैं फ़ोन करके पूछ हाँ, रहा था, 24 आवर्स के बाद मैं पूछा तो पेन कैसा, डायरेक्ट बोलते अगर उनकी रेमेडी हुई हाथ उठा होती लिया ऊपर तो तरफ। पूरी ठीक हो जाती। अच्छा, इनडायरेक्ट है तो 24 घंटे का असर लगेगा। हाँ जी सर। और मैं वो मूंगा निकाल दिया सर कंप्लीटली। सर बहुत मूंगा बढ़िया। निकालने के बाद, ये पहनने के बाद मेरे डैडी को हाई बीपी हो गया सर एकदम से। ये कुछ लिंक्ड है क्या सर? 100% लिंक्ड होगा। कहीं ना कहीं से तो लिंक होता ही है ना। हाँ जी सर, क्योंकि नहीं, हाई ब्लड प्रेशर हाई हो गया और पैल्पिटेशंस हो रहे थे बोल रहे हैं, और बीपी तो हाई है सर 2 दिन सर। सेटल हो गया या अभी भी है? हाँ सेटल हो गया सर। तो मैं सोच रहा था मूंगा निकाल के मैंने वेस्ट में रखा सर, जहाँ पे मैंने शायद वेस्ट से कुछ इफेक्ट उनको आ रहा था, लग रहा था सर। बिल्कुल आया। हाँ वैसे किधर आपके रखो घर की सर? एंट्री है तो इसका मतलब आपका फोर्थ हाउस है। फादर हाँ जी सर, कौन से हाउस होते हैं? तो नाइन्थ। फोर्थ हाउस आपकी पत्री में नाइन्थ से कौन सा हुआ? फोर्थ, नाइन्थ से 8वां सर, तो पेन। पिता के अष्टम में मंगल आ गया। हाँ जी सर, पर किधर रखो सर फिर ये? कहीं तो कुछ तो होगा। हाँ जी सर, अगर जैसे आप मैंने सही निकाल मायने में दिया। घर का वास्तु कर रहे हो ना, हाँ जी सर, तो देयर मे बी अ चांस अच्छा कि किसी एक की घर में तबीयत बिगड़े, अच्छा लेकिन अगर बिगड़ने के बाद वो थोड़े दिनों में, 2-4 दिनों में सुधर जाती है अपने आप हाँ विदाउट जी एनी सर, मेडिसिन, तो हाँ कोई जी सर, दिक्कत नहीं है। हो गया सर। लेकिन किसी ना किसी की तबीयत थोड़ा बहुत अपसेट होगी, हाँ जी सर, जैसे ये होता कुछ ही होता है। कुछ रिपेयर करने के टाइम पे थोड़ा सा तो इधर उधर होता है ना सर। हाँ जी हाँ, वो साइड इफेक्ट जिसको बोलते हैं ना, वो सर, आएगा ही आएगा। मेरे मम्मी मम्मी हाथ ऐसे लिफ्ट करके बोल रहे थे कि मैं अब उठा सक रही हूँ। मैं एकदम सरप्राइज हो गया सर। ऐसे सरप्राइज अक्सर देखने को मिलेंगे। ओनली 24 आवर्स के बाद सर मैंने दो आज, घंटे में सर आता है, 2 घंटे में। अच्छा सर मैंने तो देख लिया ये सर। वो मेथड है वास्तु हाँ जी का जिसमें 2 घंटे में असर आता है। ओनली हाँ टू जी सर, आवर्स हाँ जी सर, तो ये लाइव छः किए महीने कई बारी। क्लास चल रही है, क्लास चलते जी चलते मैंने कहा जाओ रेमेडी करो, जब तक क्लास खत्म होगी तब तक ठीक हो जाओगे, और लोग ठीक हुए। जी ऐसा भी हुआ। हाँ जी सर। सर ये मूंगे का क्या कर सकता हूँ सर? मूंगा निकाल दिया, जो मैं क्या करूँ इसका? कौन सी नदी है तुम्हारे आसपास? यहाँ पे तो कोई नदी नहीं है सर। उसको फिलहाल किसी वुडन या प्लास्टिक कंटेनर में रख लो। हाँ जी रवि जी। गुड इवनिंग सर। सर जो अपन बॉडी वास्तु कर रहे हैं
और जो नॉर्मल वास्तु अपन कर रहे हैं उसमें मेरा एक छोटा सा डाउट है। हो सकता है कोई आपने बताया कि मेरी क्लासेस कई बार कंटिन्यू नहीं रह पाती हैं। सर बात नहीं। जब बॉडी वास्तु कर रहे हैं या जो अपन नॉर्मल कस्क से भी देख रहे थे, तो सर कस्क की मैं बैठी राशि या बॉडी वास्तु कर रहे हैं तब उस घर में बैठी हुई राशि के हिसाब से अपन बॉडी चूज करेंगे या उस हाउस के हिसाब से, राशि राशि के हिसाब से जिस भी उसमें है। तो जो कौन सी अपन ने राशि? वो जो अपन ने चार्ट भी देखा हीट वाला, वो राशि के हिसाब से। सब राशि के हिसाब से। ओके सर, ये कंफ्यूज था। सर एक क्वेश्चन है सर, इफ इन केस अपने एस्पेक्ट जो हम लोग देखते हैं अभी किसी हाउस में कोई हिट नहीं है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो हम लोग उस हाउस की दिशा उस राशि के हिसाब से पकड़ेंगे अगर कोई हिट नहीं रहने से? नहीं, हिट नहीं है तो अच्छा है ना, हिट नहीं होना इज अ वेरी गुड थिंग। ओके, अभी फॉर एग्जांपल 4th हाउस में मेरे को हाउस का एंट्री देखना है, तो वहां पे कोई हिट नहीं है, तो मुझे दिशा कौन सी लेना है एंट्रेंस ऑफ हाउस? नहीं, दिशा तो वही आएगी जो हाउस की जोड़ी है। हाँ, जोडियक का दिशा लेना है। हाँ, दिशा वही आएगी, ओके, लेकिन हिट अगर है तो वो घर आपको सूट नहीं करेगा, पॉजिटिव है तो भी छूट नहीं करेगा। पॉजिटिव रहेगा तो वरदान दे देगा वही घर। अच्छा, अगर आपको मान लीजिए किसी की किस्मत में 4th हाउस में 60 का पॉजिटिव है ओके, किसी भी प्लैनेट का, और उसको घर के दरवाजे पे वहां पे वो प्लैनेट प्लेस कर दे, उसकी किस्मत बदल जाएगी। सर। आपके घर का जो भाग्य होता है ना, हाँ वो सर, 70% आपके घर की दहलीज होती है। दहलीज मतलब मेन एंट्रेंस। हाँ सेवेंटी जी, परसेंट आपकी किस्मत आपके घर की दहलीज तय कर देती है, बाकी पीछे जो घर है वो 30% में आता है। ओके सर। अगर एंट्री अच्छी है तो उसके जैसा आपको कुछ नहीं मिलेगा, और अगर एंट्री खराब है तो अंदर का वास्तु कितना ही भी कर लो रिजल्ट 50% ही आएंगे, ओके सर, तो क्योंकि अगर बेसिक स्ट्रक्चर कैसा है वो देखना पड़ता है ना। हाँ, तो बेसिक स्ट्रक्चर कैसे देखोगे? राशि के हिसाब एंट्री देख लो, एंट्री से पता लग जाएगा घर आपके लिए भाग्यशाली होगा या नहीं होगा। से। ट्रांजिट में जितने दिन तक आपके 4th हाउस पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा हो मान लो, ओके, उतने दिन तक वो घर आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, हाँ लेकिन जैसे ही ट्रांजिट खत्म हो जाएगा वो घर वापस से लकी हो जाएगा। भाई हाँ सर, यही तो लाइफ के हमारे अप्स एंड डाउन्स हैं, सारी जिंदगी एक जैसी थोड़ी जी चलती है, कुछ दिन हरे कुछ दिन सूखे रहते ही है ना। सर, तो जिस समय में ट्रांजिटिंग कोई प्लैनेट आपके घर के ऊपर 4th हाउस पे पॉजिटिव नजर डाल रहा है तो आपको घर में सुख शांति मिलेगी। सेकेंड हाउस पे ट्रांजिटिंग प्लैनेट अगर आपका सेकेंड हाउस पे कोई भी पॉजिटिव डाल रहा है तो उस समय में आपकी एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ होगी, सर, है ना। तो वो उस हिसाब से देखो। ये तो हो गया ट्रांजिट, काम हमारे ऊपर ट्रांजिट ही करता है, लेकिन अगर मान लीजिए हम डिफॉल्ट में ही बेकार सिस्टम लेके आए हैं और वही डिफॉल्ट का बेकार सिस्टम हमें जिंदगी में आ गया मिल गया, भाई देखो होता क्या है मैं बता रहा हूँ। एक बार एक बंदे ने HDFC में था, उसने रेंट पे घर लिया, ओके ठीक है, वेस्ट फेसिंग मकान था। मकान ले लिया उसने, किराए पे रहने लग गया, किराए पे रहते रहते उसकी नौकरी बहुत अच्छी हो गई, प्रमोशन बहुत अच्छे हो गए, उसकी इनकम बढ़ गई, ये जो भी था उसका मतलब जो अच्छे से अच्छा हो सकता था वो सब हो गया, सर, लाइफ उसकी वेल सेटल हो गई। अब उसको लगे यार लाइफ सेटल हो गई, अब एक काम करते हैं, बैंकर है तो सबसे पहले वो सोचते हैं यार होम लोन ही ले लेते हैं, किराए के मकान में क्यों रहना। तो फिर वो पड़ गया किसी वास्तु वाले के चक्कर में। अब वास्तु वाला बोले ईस्ट फेसिंग से बढ़िया तो कुछ होता ही नहीं, क्योंकि ये हमारे यहाँ ट्रैक लाइन है एक। आप किसी पंडित से पूछ लो वो बोलेगा घर तो या तो ईस्ट फेसिंग होता है या नॉर्थ फेसिंग होता है। हमारे जैसे तो कम ही मिलेंगे जो कहेंगे साउथ फेसिंग भी सबसे अच्छा होता है, साउथ वेस्ट भी सबसे अच्छा होता है, ये कौन पंडित बोलेगा? कभी सुना है आपने किसी के मुंह से? नहीं सर, नहीं सर, है ना। तो अगले को भी पंडित जी ऐसे ही मिले जिन्होंने बोला ईस्ट फेसिंग ले लो या नॉर्थ ले लो, उसने ईस्ट फेसिंग ले लिया। ईस्ट फेसिंग ले लिया, बर्बादी शुरू हो गई। अब उसका डाउनफॉल 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 समझ नहीं आया उसको, चक्कर गया,
वो बोला जी मैंने तो वास्तु वाले को भी दिखाया था, फिर वास्तु वालों को बुलाता भी रहा, अब आप बुलाते रहो जो मर्जी बुलाते रहो, क्या फर्क पड़ता। हाँ फिर उसने वो घर छोड़ा और वो जिस किराए के मकान में रहता था उस मकान मालिक के पास वापस गया, बोला साहब आपका घर मुझे बहुत वाला था, मुझे ये मकान वापस दे दो। उस मकान मालिक ने कहा ले ले, कुछ इक्वेशन बन गई। वो वापस उस मकान में चला गया और फिर से उसकी किस्मत चमक गई। तो घर आपके अच्छे समय बुरे का साथी है। जब आपका अच्छा समय आएगा आप सही वास्तु वाले घर में अपने आप पहुंच जाओगे, और जब आपका समय खराब आएगा तो आप गलत वास्तु वाले घर में पहुंच जाओगे, चाहे किसी के भी कहने से पहुंच जाओ। तो पंडित जी के कहने से पहुंच गए, पहुंच तो गए ना जी नेगेटिव एनर्जी में। पंडित जी आपको ये कभी जिंदगी में कहते नहीं मिलेंगे कि साउथ फेसिंग मकान ले लो, क्योंकि उनके लिए तो दो ही दिशा दुनिया में सबसे अच्छी है, ईस्ट या नॉर्थ। नॉर्थ हाँ ईस्ट। लेकिन आप क्या लिखवा के लाए वो भी तो देखना पड़ेगा ना भाई। आप अगर साउथ वेस्ट फेसिंग मकान लिखवा के आए हो तो आपको तो साउथ वेस्ट ही चलेगा, लेकिन वो नहीं मानते। सर एक सर बैकग्राउंड मैं नॉइज आ अपना रहा एक है सर। स्क्रीन शो करूं सर, कल एक्चुअली मैं समीर में था, यहाँ पे स्पीकर था जलंधर में, तो वहां पे एक वास्तु के आए थे बहुत बड़े, तो कहने लगे कहते जिसका अपना वास्तु का हर आदमी होता है बोलता है, कहता जिसके घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है ना उसके लगन में राहु आएगा जो मर्जी कर। तो मैं वहां पे खड़ा हो गया, तो मैंने उनके बोला सर जैसे हम हिमाचल में जाते हैं उनका बाथरूम घर से बाहर होता है तो उनके तिबे में राहु कितना नहीं आएगा। उनका घर से बाहर है बाथरूम, कईयों के बाथरूम ही नहीं है कि झोंपड़ी में जाते हैं तो वहां पे उनके बाथरूम नहीं है चूंकि झोंपड़ी में, वो बाहर घर से करते हैं, तो उनका राहु कितना नहीं होगा बीच में, तो उनके पास जवाब नहीं था। ये यार सब चुप है सर, बोलने, ये सब बोलने प्रवचन की भाषाएं हैं, ये असल मैं वो है जो आप लोग पढ़ रहे हो। जिनके घर बाथरूम नहीं है उनका राहु कहाँ जाएगा लगन में, ये बताओ लगन में जाएगा कहाँ पे जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हमें बताई जाती हैं जो असल में रिलेट नहीं करती, सतयुग में करती होंगी, लेकिन अब जमाना बदल गया तो आज के हिसाब से डेफिनेशंस भी तो चेंज करनी पड़ेंगी ना। वही डेफिनेशन आप सतयुग में भी लगा रहे हो, वही कलयुग में भी लगा रहे हो। सतयुग में लोग ईमानदारी से कमाते थे, आज सब लोग ईमानदारी से कमा रहे हैं। बताओ कमा रहे हैं? नहीं सर, सतयुग में लोग सत्कर्मों से कमाते थे, आजकल चोरी चकारी सब करते हैं, कौन नहीं करता बता दो। जिसके जिस लेवल पे है वो है। अरे आपको अब वो जमाना नहीं रहा, लेकिन अभी कुछ समय पहले तक क्या होता था, बनिया से राशन लेने जाओ वो चीनी 1 किलो की 900 ग्राम तोलता था, नहीं होता था ये। हम लोग बचपन में मिट्टी का तेल लेने जाते थे तो वो ऐसे करता था कि उसमें आधा पाव बची जाए, दूध वाला दूध कम तोलता था। जिसके बस में जितनी है उतनी तो करेगा, अब हम सतियों की थोड़ी है। अब तो बहुत सारे ऐसे भी चीजें हैं जिनसे हम पैसा कमाते हैं, जिनसे सतयुग में पैसा कमाना होता ही नहीं था पॉसिबल, जैसे बहुत सारे कर्म है। पहले फैक्ट्रियां होती थी, लोग फैक्ट्रियों से पैसे कमाते थे, फैक्ट्रियों का नामो निशान नहीं था। अलग अलग तरह के व्यापार आ गए तो अलग अलग तरह के सोर्स ऑफ इनकम आ गए, उसकी तरीके से हमारा कर्म भी बदल गया। अब हम सात्विक थोड़ी रहे, हमारा खाना पीना गया सात्विक है, तो नहीं फिर सतयुग वाली इक्वेशन क्यों लड़ाते फिरते हो वास्तु में भाई। सतयुग में जैसे लोग धर्म कर्म के साथ रहते थे, जितने धार्मिक वो थे, आप हो कोई है आप में से? मैं तो नहीं हूं, पॉसिबल नहीं है ना। अच्छा वो लोग जो वास्तु बताते थे, एक चीज ये भी है, ये सीक्रेट है एक, वो लोग जो वास्तु बताते थे वो ब्राह्मणों के अपने लिए होता था, वैश्यों के लिए वास्तु है ही नहीं।
जो वास्तु आप पढ़ते हो, जो हमारी किताबों में लिखा हुआ है, किताबी वास्तु जो है, वास्तु शास्त्र जिसको हम बोलते हैं, वो तो ब्राह्मणों के लिए है, क्षत्रियों के लिए है ही नहीं, वैश्यों के लिए है ही नहीं। हिट कहाँ पे है? ऑफिस में है ना, हाँ वर्क प्लेस में है ना, हाँ तो वर्क सर, प्लेस में बूंदी बांटो। ओके। और आपको वर्क प्लेस में आपको लोग भाई बोलते हैं, या रेड टी शर्ट वगैरह पहन के हाँ जाते हो कभी? भाई, भाई बोलते हैं मुझे, टीम पिंग करता है भाई कहके। लो मंगल, हाँ जी, मंगल, तो हाँ जी सबको सर। मना करो, भाई नहीं बोलना, मेरा नाम आशीष है बोलो, कॉल हाँ मी सर, आशीष। एक और क्वेश्चन है सर। ओके। अभी जो रेड कलर का कार्ड है आपका, है ना, हाँ वही ऑफिस का डोर खोलने के लिए भी यूज करते हो आप, नहीं, मैं ओनली जस्ट, एक्सेस कार्ड नहीं, टैप मेरे करके? डेस्कटॉप पे ना जस्ट लोगो और कंपनी का, इवन क्लाइंट का लोगो भी रेड कलर है सर। मेरा कंपनी का लोगो और क्लाइंट का लोगो भी, दोनों डिफरेंट कंपनी से, दोनों का रेड कलर है। आप मेरे कंपनी में तो काम नहीं कर रहा हूँ, मेरा भी पूरा रेड रेड कलर को डोनेट करना है, एक्सट्रैक्ट करना है अपने से, अपनी जी। एनर्जी में से उसको निकालना है। तो इफ समबडी कॉल यू भाई, टेल हिम नॉट टू कॉल यू भाई, ओके है सर, ना? अगर वो आपको नाम से बोलता है और आपसे छोटा है तो भी कोई बात नहीं, फील हैप्पी, है ना? वो अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। प्रोफेशनल हाँ, ये नहीं कि छोटा है तो बोलेगा नहीं सर आप मेरे से सीनियर हो, मैं आपको नाम, यू कॉल मी बाय नेम ओनली, सर, डोंट कॉल मी भाई एटलीस्ट, जी है ना? सर, ब्रो, भाई, ये सब शब्द नहीं बोलने। अरे जी सुन ले कभी, चलो ठीक है। जी सर। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर वो ट्रांजिट का देखना नहीं आया सर, ट्रांजिट का अभी अभी देखता हूँ, मेडिकल। अभी आपका हाँ पेंडिंग है। जी, प्रवीणा जी ने अभी ज्वाइन किया है इसी हफ्ते, मुझे मालूम ओके नहीं कितने वीडियोस देखे। मैम बताइए थोड़ा सा एक्सपीरियंस अपना। सात वीडियो देखा है, उसमें इंग्लिश का थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। वो पितृदोष कैसे देखते हैं? हम लोग तो पहले शनि राहु को बोलते थे पहले। नहीं, और क्या क्वेश्चन है? पितृदोष छोड़ो, बाकी क्या चीज समझ में नहीं आई? बाकी शुक्र मंगल से लव मैरिज होता है, पर आपने दूसरा कुछ भी बोला वर्ड, पर मेरे को समझ नहीं आया। हिट लव थ्योरी मैरिज, समझ में आई? हाँ हिट थ्योरी आई, वो अभी निकालना नहीं आता है वो वो अभी। सॉफ्टवेयर ले लेना आप, वो पेड सॉफ्टवेयर है, हाँ साल का कुछ 1500-1600 रुपया उसका रेंट जाता है, ठीक वो वांदा नहीं है। है? हाँ हाँ, ठीक नहीं वो सस्ता है बहुत, है। बाकी अच्छा के सॉफ्टवेयर जो है ना वो हाँ 40-40, 50-50 हज़ार रुपए के सॉफ्टवेयर हैं। ये अच्छा सॉफ्टवेयर अकेला है जो 1500-1600 रुपये, 1600 या 1650 रुपये कुछ ऐसे ही है, ठीक जी है? तो ये आप ऑनलाइन ऑनलाइन ही परचेज कर लेना इसको, सर, ऑनलाइन कर और वहां पे कस्टमर केयर का नंबर दिया हुआ है, इनकेस अगर कोई इश्यू है तो आप उनको डायरेक्ट फोन करो, वो पूरी हेल्प करते हैं। अमिताभ ठीक जी हैं, आर्मी से रिटायर्ड कर्नल हैं, और कर्नल साहब ने ये खुद सॉफ्टवेयर बनाया, पता है उनको शौक है बनाने का। है। अच्छा पहले अच्छा 12 साल तो उन्होंने फ्री चलाया ये हाँ पेमेंट, इन्होंने पिछले 2-3 साल से लगाई है। तो बहुत डिस्कशन हुआ था इस बात पे कि यार कितने पैसे ले, लूटपाट नहीं करनी, लोग 10-10 हज़ार, 40-40 हज़ार लगा रहे हैं, मेरे को ऐसा नहीं करना। ही इज अ वेरी नाइस पर्सन, बहुत ही नाइस लेंगे पर्सन है। हाँ हाँ, वो क्योंकि उसके बिना आपका ये सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा ना, तो आप हाँ एस्ट्रो वास्तु कर ही नहीं पाओ, नहीं करता है। हाँ मैनुअल कैलकुलेशन नहीं हो सकती। नहीं होती, वो गणित के हिसाब से करते हैं तो जमती नहीं है। अच्छा नहीं, वो जमेगा ही नहीं, उसको कोशिश भी मत करो, वो कोशिश भी नहीं करनी, ठीक अच्छा है? अभी ये बोल रहा था ना कि वो लोगो लाल कलर का, किसी का समझ लो आ गया, पर किसी का कंपनी का वो पहनना ही पड़ता है, तो फिर क्या करने का? उनको फर्जियात रहता है। उसी को तो बोला, अगर आपको पहनना ही पड़ रहा है और रिमूव नहीं हो सकता तो उसके दो तरीके हैं। पहला, उसको डोनेट करो, दोनों ठीक है? दूसरा, अभी उसकी रेमेडी आगे आएगी, हिट ब्रेक की हम लोगों ने बात करी थी लेकिन हम वहां पे पहुंचे नहीं, बीच में दो स्टूडेंट और जुड़ गए तो उनके केस ले लिए हमने। दिनेश, आप भी बाद में आए हो ना दिनेश? जी, हाँ आप आए हो, आपकी वजह से 2-3 क्लास ये चली गई, अब प्रवीणा बहन की वजह से 2-3 क्लास जाएंगी, तो आप सबकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो रही है इसी बहाने, हाँ जी और सर, आप लोग जुड़ भी गए, ये भी एक अच्छी बात है, ठीक है? तो इसी बहाने प्रैक्टिस अच्छी हो गई, लंबी हो गई प्रैक्टिस, नहीं तो बैच तो हमारा खत्म होने वाला था।
आपकी वजह से 3 क्लास और चल गई, आप प्रवीणा मैम की वजह से 3 क्लास और चलेगी, उसके बाद बाकी की जो पेंडिंग क्लासेस हैं वो करेंगे। नहीं तो वो जब हम लोगों ने गोलपत्री बनाई ना, उसके बाद 2 दिन की क्लास थी बस, वो लास्ट स्टेज है। लेकिन चलो अच्छा है, एक्सपीरियंस बढ़ा आप लोगों का, हाँ जी मेरी भी सर, प्रैक्टिस बढ़ी। सर एक रिजल्ट्स भी क्वेश्चन, दिख रहे हैं ना सर। हाँ जी निखिल जी। सर अगर हमारी किसी कस्बे एस्पेक्ट नहीं पड़ रही, लेट्स से कि जुपिटर से पांचवी मतलब देख रहे हैं, वहां पे जुपिटर से पांचवे घर में देख रहे हैं, मगर उस कस्ब पे एस्पेक्ट नहीं पड़, ट्राइन नहीं पड़ रही, मगर अगर हम उस घर के अंदर जाएं थोड़ा और आगे, तो उस घर में किसी डिग्री पे तो उसकी ट्राइन पड़ेगी। मतलब अगर मैं आगे सपोज किसी घर में जाऊं, आप ले लिए, सपोज ले लिए जुपिटर पड़ा है अभी कहाँ पे, एरीज में है, तो लियो में उसकी कहीं ना कहीं तो ट्राइन की एग्जैक्ट 120 पड़ रही है कहीं ना कहीं। तो वो पॉइंट जो है वो घर में कस्ब पे नहीं पड़ रहा, ठीक है, मगर उस राशि में लियो में कहीं पे अभी उसकी ट्राइन की एस्पेक्ट पड़ रही है। तो उस जगह पे जहां पे पड़ रही है, हमें क्या जुपिटर का समान दिखेगा? समान दिखेगा और नहीं भी दिखेगा, दोनों ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। दिखेगा ये हो सकता है, लेकिन उससे जो आपको बेनिफिट होना है नहीं होगा। या नेगेटिव असर जो आना है, मान लीजिए 180 भी तो हो सकता है ना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो वो उस समय में आपको नहीं मिलेगा। जो अब जैसे अब हम लोग बैठे हैं आपस में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो जिस समय तक मैं क्लास में हूं ही नहीं, उस समय तक आप क्या करोगे? आप लोग तो मतलब सब हो, लेकिन मैं तो नहीं हूं ना। तो दोनों तरफ से इक्वेशन बनती है ना, दोनों तरफ से चीजें। मैंने बताया ना आपको, मेरे घर का वाइट डोर है, आज से थोड़ी है। मैंने आपको बताया भी था, मैंने चांदी निकाली थी नीचे से, जी लेकिन उसके बाद भी वाइट डोर था और मुझे आज तक कोई परेशानी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि फेज नहीं था वो, अब वो फेज आ गया है ना। अब वो फेज आ गया तो मुझे उसकी रेमेडी करनी पड़ी। अब सैटन है, सैटन क्या है? अलमारी है आपके घर में, कबर्ड है, कोई सा भी है ना। तो कबर्ड तो आज का थोड़ी है, कबर्ड तो यहाँ 20 साल से है। लेकिन जिस समय में ट्रांजिट सैटन यहाँ पे आएगा या यहाँ पे सैटन का हेट आ रहा होगा, उस समय में ये कबर्ड आपको दिक्कत देगा, अदरवाइज थोड़ी देगा। समान तो है ही ना, तो समान होना ना होना इम्पोर्टेंट नहीं है, एक्टिवेशन ऑफ हेट इंपॉर्टेंट है। अगर वो एक्टिवेट है तो प्रॉब्लम है, और वो एक्टिवेट नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं है। और उसमें भी मेजर मैंने आपको बताया, महादशा अंतरदशा, इन दो को हमेशा प्रिकॉशन लेके चल। इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम खड़ी होती है, दिखती है, फेस करनी पड़ रही है लाइफ में, तो उसको जरूर एनालाइज करो, उसको तो मना है ही नहीं। भाई जो चीज सामने आ ही गई प्रॉब्लम, उसको कैसे आप अवॉइड करोगे? यू हैव टू गो थ्रू योर चार्ट ना। अब ये एक बात है, ऐसा बोलते हैं कि जब तक प्लैनेट एक्टिवेट नहीं है तब तक हिट नहीं पड़ती, ठीक है। लेकिन अगर वहां पे कोई भी हैवी प्लेसमेंट होगी तो थोड़े दिनों के लिए आदमी को थोड़ा बहुत शेक करेगी, चाहे वो दशा में है या नहीं, लेकिन वो आपको पता नहीं लगेगा, आई गई बात हो जाएगी, 1-2 दिन 3 दिन में होगा, खत्म हो जाएगा। अब आपने मूंगा दिनेश उतार के रखा है ना वेस्ट में, हाँ जी सर, यहीं पे रखा है। हाँ, तो यहां से हटा के इसको कहीं और रख दो, और एक प्लास्टिक के कंटेनर में या वुडन ओके कंटेनर में फोल्ड करके रखो, ठीक ठीक है सर, है, और वेस्ट से हटा दो। और फिर मेरे को अगली क्लास में या 1-2 दिनों में मैसेज डालना कि पापा को हार्ट का इश्यू जो आया है या बीपी उनका जो बढ़ा, उसका क्या इश्यू है, ठीक ठीक है सर। है ना। आपने यहाँ पे वेस्ट पे रखा है, वो पापा का 8th हाउस हो गया हाँ जी सर, है ना, इसलिए पता दिक्कत नहीं हो गया। था। नहीं सर, होता ही है। अब अच्छा, सब चीजें मैनेज कर भी नहीं सकते, अगर इतनी सब चीजें मैनेज करने पे आओगे तो पागल हो जाओगे। तो मेरे सर एक हमेशा आंसर दिया करते थे, जिनसे मैंने ये सीखा था,
वो ये कहते थे तवे पे कौन बैठा है। प्रॉब्लम आज के टाइम में किसकी है, पैनिक आज कौन कर रहा है, आज सिचुएशन वर्स्ट किसकी है, पहले उसको संभालो। साइड इफेक्ट्स की चिंता करोगे तो डॉक्टर नहीं बन पाओगे। डॉक्टर का काम है जिस समय में पेशेंट को तकलीफ है उस समय में उसे इंजेक्शन दे दो ताकि उसका पेन फिलहाल कंट्रोल हो जाए। अब आप कहोगे नहीं पेन किलर से अल्टीमेटली हड्डियां कमजोर होती हैं, तो ठीक है फिर पेन सहलो, मत लगाओ पेन किलर इंजेक्शन, नहीं कर सकते ना। जब आपको पेन बढ़ेगा तो आपको पेन किलर लेनी पड़ेगी ना, आप इसके साइड इफेक्ट्स को रोते रहो तो रोते रहो, लेकिन जब पेन होगा तो खानी पड़ेगी। अब आप कितनी चीजें कंट्रोल करोगे या कितनी चीजें समझोगे, ऐसे अगर करोगे। अब जैसे आज आपने एक प्रूफ देख लिया कि हाँ आपने यहाँ धागा पहना और मम्मी का हाथ उठ गया, हाँ जी सर, हाथों की मूवमेंट आ गई, तो कल से आप पता लगा अपने यहाँ जब भी मूव करोगे पीछे मम्मी का हाल पूछोगे, मम्मी मैंने ये किया आज आप ठीक हो कि नहीं हो, पागल हो जाओगे थोड़े दिनों में, है ना। ऑब्सेशन नहीं पालना, वहम नहीं पालना, जब प्रॉब्लम आई तब चार्ट देखो, अगर प्रॉब्लम नहीं है तब नहीं देखना। बड़ी सिंपल सी बात है, इफ यू हैव पेन गो टू द डॉक्टर, इफ यू डोंट हैव पेन डोंट गो टू द डॉक्टर, ठीक है। हर समय नहीं देखना, पता लगा सुबह सुबह प्रातः दर्शनीय वाला सिस्टम बना लिया, सुबह सुबह हिट थ्योरी को देखने लग गए, आज सुबह मॉर्निंग हुई नहीं और पत्री खोल ली और हिट थ्योरी देख ली। ऐसे हैं मेरे को मिले ऐसे स्टूडेंट, वो अपने दिन की शुरुआत ही ऐसे करते हैं, ये गलत है। इतना ज्यादा कोई भी चीज पागलपन की हद तक नहीं जानी चाहिए, सिंपल सी बात। तकलीफ में हो करो ना रेमेडी, मना थोड़ी है, ठीक है। चलिए आपने जो पूछना हो तो पूछ लो। ओए मेरे को दो तीन बाकी हिट थ्योरी तो अभी सॉफ्टवेयर से ही मालूम गिरेगा, अभी दूसरा तो मालूम नहीं गिर रहा है। हाँ तो सॉफ्टवेयर आज ले लो आप। सर मेरे लिए बेडरूम का डायरेक्शन कौन सा ठीक होगा सर, मेरे चार्ट के हिसाब से? बेडरूम का डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं होता, नहीं होता सर। ओके, आप जहाँ पे सो रहे हो हाँ जी उस सर, एरिया में कोई नेगेटिव हेट है तो आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाएगी। ओके ओके सर, बस इतना सही है। बेडरूम बेडरूम नहीं देखना। ओके आप अपना जो, अरे जो रूम आप सो रहे हो, आप मेरे कहने से बेडरूम थोड़ी चेंज करोगे। नहीं अच्छा सर, हो सकता है आप चेंज कर भी लो, लेकिन सबके लिए तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है ना। हाँ जी सर, तो आप ये देखो कि क्या आपकी स्लीप डिस्टर्ब है। नहीं सर, स्लीप डिस्टर्ब नहीं है। बस फिर टेंशन मत लो, जब स्लीप डिस्टर्ब हो तब देखो कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, ओके सर, है ना। कोई भी ऐसा कुछ नहीं है आपके पास जो आपको यहाँ पे बेडरूम होना चाहिए, यहाँ पे ड्राइंग रूम होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है ना। प्लैनेट बोलता है मैं यहाँ बैठा हूँ सेवेंथ हाउस में, तो मैं सेवेंथ हाउस में इस प्लैनेट की यूटिलिटी को इंश्योर करूंगा कि यहाँ पे ये प्लैनेट यूटिलाइज हो जाए। वो दूसरे तरीके से भी कर सकता है, तीसरे तरीके से भी कर सकता है, उसके पास बहुत सारे तरीके हैं, है ना। तो आपके घर में कैसे हो रहा है वो पता नहीं, तकलीफ क्या है, ये पहला सवाल हमेशा अपने आप से पूछो, मुझे तकलीफ क्या है। ये तरीका वास्तु करने का गलत है कि घर घर को लेंस ले लेके घूमते रहो कि ये चीज यहाँ पे ठीक है कि नहीं है, ये चीज लोग शुरू शुरू में सीखते हैं तो यही गलती करते हैं। जितने लोगों ने भी शुरू शुरू में वास्तु सीखा ना, उन सब ने आते ही सबसे पहले अपने घर में देखा यार ये जल तत्व में अग्नि तत्व आ गया इसको यहाँ से हटा दो, या वायु में ये वाला तत्व आ गया इसको यहाँ से हटा दो, वो पूरे घर को कबूतर खाना बना देते। ये पहला बेसिक प्रिंसिपल है, इफ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम डोंट टच योर वास्तु। लेकिन ये आप कह किसी को भी लो वो समझता नहीं। मैंने तो करा यही सब कर करके सीखा, यही सब कर करके अपने ऊपर बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं, बहुत नुकसान उठाए हैं। सबसे पहले तो मैंने भी वही एलिमेंटल वास्तु सीखा था, बाद में पता लगा वो तो फ्रॉड है, वो वास्तु है ही नहीं, ठीक है ना। तो ऐसा मत करना,
कि कल से वास्तु सीख गए हो आज, और कल से जो है अपने घर के कोने दुरुस्त करते रह जाओ। ना ना ना, जब पेन होगा तो पेन किलर खानी, बस इतना ध्यान रखो। पेन नहीं है, तकलीफ नहीं है, तो नहीं ढूंढना कुछ, जबरदस्ती कीड़े मत ढूंढो। मेरे घर में कीड़े कहाँ हैं? कोई कीड़ा नहीं है, लाइफ बहुत बढ़िया है, मस्त चल रही है, तो टेंशन फ्री रहो। यहाँ से ऑक्यूपाई मत करो अपने आप को जरूरत से ज्यादा। प्रॉब्लम है, खट देख, उसी समय देखो, सेम डे देखो, आपको वो चार्ट में दिखेगी। जी, अननेसेसरी वास्तु नहीं करो, ये ध्यान रखो हमेशा। सनफ्लावर कौन से प्लैनेट से आता है सर? जुपिटर से आता सन कही है? है सन का? अच्छा, क्योंकि हाँ सर मैंने ना सनफ्लावर एक येलो पॉट में लाके मेन डोर के सामने रखा था, क्योंकि अच्छा लग रहा था। उसके बाद मेरे मम्मी का हेल्थ बहुत खराब हो गया था एक साल, 2019 में सर, पर नेगेटिव ट्वेंटी हिट है ट्वेंटी सन वन का। में 4th हाउस पे पूरा नेगेटिव है सर। हाँ, मम्मी के ऊपर 4th हाउस में नेगेटिव सन का हेड डाल दिया, तो मम्मी की हेल्थ डिटेरेट हो जाएगी। बहुत ज्यादा सर, और उसके बाद मेरे डैडी का भी हेल्थ खराब हो गया सर, सर्जरी हुई है उनकी। अच्छा सच बताना, यहाँ हाँ पे जी आज सर, मजा आया ना, जब मम्मी ने कहा मेरा हाथ अब पूरा उठने बहुत लग मजा गया, आया सर। 24 आवर्स ऐसे के लगा ना बाद लाइफ में ही आज कुछ अचीव कर लिया है तब ना। मैंने फिर से हम वीडियो बार उनके बार लिए यहाँ देखा। से बैठे बैठे कितना कुछ कर पा रहे हैं, सच सही ए बात है ग्रेट सर, फीलिंग। नहीं, वेरी ग्रेटफुल सर, आई वाज सो हैप्पी, और मैं सो बता हैप्पी रहा हूं, 2 घंटे 4 घंटे में असर आता है, ये वो सर। वास्तु है, 4 घंटे में असर आएगा। जी गलत रेमेडी करोगे तो भी, सही करोगे तो भी, सर, क्योंकि रेमेडी ट्वेंटी तो फोर परफेक्ट आवर्स जी सर, मैंने 24 आवर्स कैसे वेट किया पता नहीं। बाद में पूछा उनसे, बोलते कि आज तो आराम है, मुझे तो याद ही नहीं था, बोलते मम्मी। और मैंने बोला उठाओ, हाँ। हाथ उठाओ, उठाया, ऊपर तक तो उठाया सर। वीडियो और कॉल उसके पे बाद देखा, मजा आया। जी, तो उसके बाद मम्मी काम करने लगे खुद ही। और उसके बाद मैंने आज भी पूछा, बोलते रात को हो रहा है सर दर्द, थोड़ा सा, ज्यादा रात को नहीं, हो रहा है? रात को दर्द महसूस हो रहा है नींद में, बट दिन के टाइम पे तो कोई दर्द नहीं। एक दो दिनों में वो भी चला जाएगा, वो अच्छा हाँ जी, थोड़ा मैंने बहुत वही मसल की बोला। स्टिफनेस इतने सालों की है ना, तो वो हाँ जी सर, स्टिफनेस जाते जाते जाएगी। हाँ जी सर, क्या जादू है? नहीं, किसी एकदम को सर। बताओ कोई यकीन नहीं करेगा आपकी बात पे। नहीं सर, पर मुझे भरोसा था सर, आप जैसे बताते हैं ना, तो मुझे भरोसा था, भरोसे से करवाया सर, मैंने खुद ही किया सर, बड़ा सा, ये बड़ा सा रोल लेके आया सर, इतना बड़ा, उसमें से गले में धागा बांध लिया बहुत बढ़िया। सर। बहुत टाइम लगा सर ढूंढने में इसको। हाँ, आसानी से मिलने वाली चीज नहीं है, नहीं और ये ना सिल्वर का है ना, तो इसमें गांठ खुल भी जाती है, सरक हाँ जी सर, हाँ जी सर, ये सिर्फ ये जाएगी, स्लिपरी है ना, इसके तो ऊपर, गांठ इसके रुकती नहीं। हाँ जी सर, इसके ऊपर कपड़ा है सर, बट इसके अंदर हल्का सा प्लास्टिक का जैसा है सर, पर अच्छा सिल्वर ही लुक अच्छा है, सिल्वर ही है, सिल्वर ग्लिटरी होना है। चाहिए, बस सिल्वर होना चाहिए। सर सर ये इसको अब ये यहाँ शूट पे कर सर गया ना, कहाँ? उसमें कोई स्टोन नहीं ना सर? स्टोन की जरूरत नहीं, हमारा तो काम 2-5 रुपए में होता है, हाँ जी सर, मेरे $2 में होगा सर। बस। इससे बढ़िया क्या चाहते हैं? 2 डॉलर में रेमेडी हो रही है, हमारे यहाँ 2 रुपए जी लगते हैं। सर,